हेलो गाइस, आप देख रहे हैं वीडियोस पॉकेट। आज का वीडियो मैं शॉपिंग से रिलेटेड बनाने वाला हूँ। जैसा कि काफ़ी हमारे टीम के ऐसे सदस्य हैं जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है शॉपिंग से, तो जैसा कि आप देख सकते हैं शॉपिंग में जाते हैं तो कैसे अपने रिवॉर्ड जो पॉइंट होते हैं रिडीम पॉइंट उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, ये शर्ट है जिसका दाम है 1500 कुछ रुपया दाम है, देख रहे हैं ना। इस शर्ट को मैं सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद देखिए 1500 इसका दाम है, ठीक है। तो इसका साइज़ मैं देख लूँ, 42 साइज़ है, अपना देख लीजिएगा कौन सा साइज़ आपको लेना है। कलर इसमें डार्क रेड है, क्वांटिटी एक ही चाहिए तो सेलेक्ट कर लीजिए। अब ये देखिए फिर से मुझे लॉगिन करने के लिए बोला जा रहा है, लॉगिन कर लीजिए। जब लॉगिन होकर आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्रोसीड टू चेकआउट, उस पर जाएंगे प्रोसीड टू चेकआउट पर। थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये देखिए अब आपसे पूछा जा रहा है एड्रेस, आपको किस एड्रेस पे ये चाहिए, शिपिंग एड्रेस दिखा है ना, शिपिंग इन्फॉर्मेशन कहाँ पे आपको चाहिए। अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे आप देखिए इसका जो है प्राइस कहाँ था, 1539 है ना, 1539 है ना। अब मेरे पास कितना है रिवॉर्ड पॉइंट, 1500, आप देख सकते हैं मेरे पास कितना है, 1200 रिवॉर्ड पॉइंट है। अब 120 रुपया शिपिंग चार्ज लिया गया है और 184 जो है GST लिया गया है, तो माइनस होके आ गया 643.68। इतना अमाउंट जो है 643 रुपया, ठीक है, इतना आपको पे करना है, देख सकते हैं, ठीक है ना। आपके सामने मैं इसलिए रख रहा हूँ कि आपको पूरा दिखे, समझ में आए कि ई वाउचर का कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे यूज़ होगा, सारा यहाँ पे दिख रहा है। और जैसे मैं चेकआउट करूँगा, ये पूरा एड्रेस को फिल करने के बाद, सारा चीज़ फिल करने के बाद जैसे चेकआउट करूँगा तो फिर ये मुझे ले जाएगा कहाँ पे, बैंक के पे, या तो UPI के थ्रू या बहुत सारे के पेमेंट के थ्रू ले जाएगा। वहाँ से आप पेमेंट करके अपनी बाई कर सकते हैं और ई वाउचर को यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।